हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आवर नेक्स्ट चैप्टर इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज बायोटेक, है ना। तो अब हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं, कहाँ कहाँ इसके यूजेस हैं। देखो, बायोटेक्नोलॉजी हैज वेरिड एप्लीकेशन, तो उसमें से कुछ हम बता रहे हैं, जैसे थेराप्यूटिक्स, डायग्नोसिस, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इनको। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो कि एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, प्रोसेस्ड फूड, बायोरेमिडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन, ये सब हमारे बायोटेक के यूज है। यहाँ सब पे हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, देर आर थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तीन है भाई एरिया। फर्स्ट, ये प्रोवाइड करता है बेस्ट कैटलिस्ट एज इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म। बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड कराएगा जिससे हमें इम्प्रूव हुआ ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। यूजुअली ये माइक्रोबी और प्योर एंजाइम जो कि कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। सेकेंड, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस बाय इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट। कैटलिस्ट एक्ट करे उसके लिए ऑप्टिमम कंडीशंस भी बायोटेक की हेल्प से हम क्रिएट करते हैं। थर्ड, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जो कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, टू प्योरीफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये तीन क्रिटिकल रिसर्च एरिया है बायोटेक के। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन। वन बाय वन हम सारे स्टेप्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है, फूड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय अप्लाइंग बायोटेक्नोलॉजी बाय द फॉलोइंग वेज। फूड प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकते हैं अपनी, फूड प्रोडक्शन को कैसे, बायोटेक को अप्लाई करके कैसे। देखो, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर का यूज करके, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का यूज करके, जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर का यूज करके हम अपनी क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सेडेड इन इंक्रीजिंग फूड सप्लाई। फूड सप्लाई इंक्रीज हुई, उसमें ये सक्सेस हुआ ग्रीन रिवोल्यूशन, बिकॉज ऑफ यूज ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटी। क्योंकि इसने क्या यूज किया था, इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटी यूज की थी। सेकेंड, इसने एग्रोकेमिकल का यूज किया, एग्रोकेमिकल मतलब फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का इसने यूज किया है। थर्ड, इसने यूज किया बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस का, जिसकी वजह से हमारी जो फूड सप्लाई का प्रोडक्शन है वो बढ़ गया था। एग्रोकेमिकल्स जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं फार्मर्स के लिए इन डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है, एंड ऑल्सो हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट पे भी हार्मफुल इफेक्ट है, इसलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को डेवलप किया गया था। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये प्लांट्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगी हो सकते हैं, एनिमल्स होता है, हुज जीन्स हैव बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन। जिसकी जीन को हमने क्या कर दिया, अल्टर कर दिया, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप हैव रिजल्टेड इन, क्या होगा अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर देंगे क्रॉप को, तो उससे क्या रिजल्ट मिलेंगे, इंक्रीज टॉलरेंस अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेसेस, जैसे कोल्ड, ड्रॉट, साल्ट, हीट, तो ये सारा सब कुछ वो टॉलरेट कर पाएंगे, ठीक है, उनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड, रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। केमिकल पेस्टिसाइड्स पे भी क्या होगा, उनकी रिलायंस जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, कटाई के बाद जो लॉस होता है वो भी कम हो सकता है। नेक्स्ट है, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स यूज्ड बाय प्लांट। थर्ड है, जैसे फर्टिलिटी सोयल की हम भाई प्रिवेंट कर सकते हैं। एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, जैसे विटामिन ए एनरिच सोयल, जिसको हम गोल्ड राइस बोलते हैं, उसमें विटामिन ए जो होता है ज्यादा अमाउंट में होता है। क्रिएशन ऑफ टेलर मेड प्लांट टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, जैसे उसको स्टार्स दे देंगे, फ्यूल्स और फार्मास्यूटिकल टू इंडस्ट्रीज, ये सब हम प्रोवाइड करके एक टेलर मेड प्लांट हम बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे बीटी कॉटन का दिया, देखो ये कॉटन का डायग्राम आपको नजर भी आ रहा है ना। देखो, सम स्ट्रेन्स ऑफ बेसिलस थ्यूरियाजेनेसिस, ये बेसिलस थ्यूरियाजेनेसिस एक बैक्टीरिया है, इसकी कुछ स्ट्रेन्स वो प्रोड्यूस करती हैं प्रोटीन्स को, जो क्या कर देता है, किल कर देता है कुछ इंसेक्ट्स को, जैसे लेपिडोपेट्रंस जो टोबैको बर्ड वॉर्म होता है, आर्मी वॉर्म होता है, कोलियोपेट्रंस बीटल्स बोलते हैं, डिप्टेरेंस फ्लाइज और मॉस्किटोज, तो उनको ये क्या कर देता है, किल कर देता है, ठीक है। क्या बताया है कि बेसिलस जो थ्यूरियाजेनेसिस होता है कुछ प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो कि इन इंसेक्ट को किल कर देता है। बेसिलस थ्यूरियाजेनेसिस जो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है वो क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, तो प्रोड्यूस करता है प्रोटीन क्रिस्टल विच कंटेन ए टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, क्योंकि उसके अंदर एक टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल, इंसेक्ट को मारने वाला प्रोटीन प्रेजेंट होता है। बीटी टॉक्सिन्स आर इनिशियली इनएक्टिव,
जब ये बेसिलस थुराजिनेसिस है, इसके अंदर जो ये प्रोटीन है, जो टॉक्सिन है, वो स्टार्टिंग में इनएक्टिव है जब तक वो उसकी बॉडी में है, प्रोटॉक्सिन। बट आफ्टर इंजेशन बाय द इंसेक्ट, जैसे इंसेक्ट उसको इंजेस्ट कर लेगा, खा लेगा, देयर इनएक्टिव टॉक्सिन बिकम्स एक्टिव। वो इनएक्टिव टॉक्सिन क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा ड्यू टू एल्केलाइन पीएच ऑफ द गट, क्योंकि उस जिसने खाया है उसकी पीएच की जो गट है उसकी पीएच एल्केलाइन है, विच सोल्यूबलाइज द क्रिस्टल, जिसकी वजह से सोल्यूबलाइज हो जाता है क्रिस्टल, एक्टिव हो गया। अब एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड हो जाएगा सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल्स, मिडगट एपिथेलियल सेल्स के साथ बाइंड हो जाएगा, थस क्रिएटिंग पोर्स, जिसकी वजह से पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, विच कॉजेस सेल स्वेलिंग, सेल फूल जाएगा, लाइसिस रप्चर हो जाएगा, फर्दर लीडिंग टू द डेथ ऑफ द इंसेक्ट, जैसे इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन ऑब्टेन फ्रॉम बेसिलस थुराजिनेसिस, उसको यूज किया जाता है बहुत सारे क्रॉप प्लांट्स में, जैसे कॉटन में और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं। इस टॉक्सिन को कोड किया जाता है एक जीन के द्वारा जिसको बोलते हैं क्राई, ये स्मॉल एसी, एक जगह बड़ा लिखा होता है वो अलग होता है, ठीक है। विच इज ऑफ वेरियस टाइप्स, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन एनकोडेड बाय द जीन्स क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकेंड एबी, इनका काम क्या होता है, ये कंट्रोल करते हैं कॉटन बोल वर्म्स को, एंड दैट ऑफ क्राई फर्स्ट ए बी जो है वो कंट्रोल करता है कॉर्न बोरियर को। बीटी टुबैको वाज फर्स्ट कल्चर टू किल हॉर्न वर्म, जो बीटी टुबैको जो था उसको सबसे पहले कल्चर किया गया था हॉर्न वर्म को किल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा बीटी टॉक्सिन अलग से पूछा जाता है ऐसे ही हमारा पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट भी पूछा जाता है। पेस्ट रेजिस्टेंस में देखो एक नेमाटोड मिलेडोगाइनी इनकंजनाइटा जो कि इन्फेक्ट कर देता है रूट ऑफ टुबैको प्लांट, विच रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ टुबैको, जिसकी वजह से प्रोडक्शन तो कम होगा ही क्योंकि इसने इन्फेक्ट कर दिया है उसको प्लांट की रूट को। इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस से हम इसको बचा सकते हैं। इसमें क्या करता है, इसमें साइलेंसिंग कर दी जाती है स्पेसिफिक एमआरएनए की ड्यू टू कम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्रिएट करके जो सिंगल एमआरएनए है उसकी साइलेंसिंग कर दी जाती है। कैसे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है वो बाइंड हो जाएगा, जुड़ जाएगा उसके साथ और प्रिवेंट करेगा ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए, मतलब कि एमआरएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाने में मदद करता है ना, ट्रांसलेशन का मतलब यही होता है प्रोटीन बनाता है, तो उसको प्रिवेंट करता है। By using agrobacterium vector, इसका यूज करेंगे तो नीमाटोड जो स्पेसिफिक जीन्स है उसको इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है होस्ट प्लांट में, जो प्रोड्यूस करेगा सेंस और एंटीसेंस आरएनए होस्ट सेल के अंदर। अब टू आरएनए दोनों के दोनों कंप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, फॉर्म ए डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो कि इनिशिएट करेगा आरएनए इंटरफेरेंस को, हेंस साइलेंस द स्पेसिफिक एमआरएनए, जो स्पेसिफिक एमआरएनए उसको क्या कर देगा, साइलेंस कर देगा नेमाटोड। द पैरासाइट कैन नॉट सर्वाइव, अब इसकी वजह से क्या होगा, वो पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर पाएगा ट्रांसजेनिक होस्ट में और जो हमारी फसल जो है, प्लांट जो है, वो पेस्ट से क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो आज हमने एक बीटी टॉक्सिन पढ़ लिया, एक पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट पढ़ लिए। होप सो आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।